गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिख दंगों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा, कमलनाथ सिख किसान आंदोलन में क्यों नहीं जा रहे, क्या सिख दंगे का कुछ है? उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा किसानों से झूठ बोलती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, भाजपा हमेशा किसानों की बात करती है, उनके बीच जाती है, कांग्रेस किसानों से कर्ज माफी जैसा झूठ बोलती है। मिश्रा ने कहा, कमलनाथ सिख किसान आंदोलन में क्यों नहीं जा रहे, क्या सिख दंगे का कुछ है? कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के बयान पर कहा, कमलनाथ के नेतृत्व पर उंगली उठ रही है, मैंने पहले कहा था चुनाव के बाद वो नहीं मिलेंगे, कांग्रेस कुछ भी कर ले, डूबता जहाज है कांग्रेस, देश में सभी जगह कांग्रेस डिक्लाइन हो रही है। हैदराबाद में उनके पास 2 सीट थी और 2 बचा पाए, इसीलिए राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं, इनकी कोई भी रणनीति और किसी को भी जिम्मेदारी देना काम नहीं आने वाला। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव किसानों के हितों की बात करती रही है, किसानों के बीच जाते हैं हम, जनता के बीच जाते हैं। सोचना तो उन्हें चाहिए जो किसान कर्ज माफी की झूठी घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी अब सिंधु बॉर्डर पे नहीं जा रहे किसानों के बीच में, क्या कारण है कि वो नहीं जा रहे? सिख पूरे के पूरे आंदोलन कर रहे हैं, सिखों के बीच क्यों नहीं जा रहे? वो कहीं 84 की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है? उनको जाना चाहिए, हम तो किसी भी बहाने से जाएंगे। कांग्रेस सोचे कमलनाथ जी को भेजे जरा सिख आंदोलन। अपने आप को भ्रम में रखना है और उन कार्यकर्ताओं को बांध के रखना होगा। कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है देश के अंदर, ये उनकी सारी कोशिश से अब सफल नहीं होंगी देश के अंदर, वो कुछ भी कर लें। मैं तब भी कह रहा हूँ डूबता जहाज है, अब भी कह रहा हूँ ये रसातल को जा रही है। आप तात्कालिक परिणाम देखो ना, हैदराबाद के अंदर मैंने बधाई दी राहुल गांधी को कि उनने अपनी स्थिति को कायम रखा, 2 सीटें थी, 2 की 2 बचा के रखी, बड़ी बात है। अब हैदराबाद में 2 की 2 कायम करना, घटेना नहीं देना, बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की, और बधाई राहुल भाई। कान्हा में नक्सली गतिविधियों पर कहा, एंटी नक्सल मुहिम 15 साल चली, 15 साल में नक्सली घुस नहीं सके, कमलनाथ सरकार ने ढील दी, मैं खुद DGP के साथ बालाघाट जा रहा हूँ, MP में किसी भी नक्सली डकैत गैंग को पनपने नहीं देंगे। देखिए, हमने एंटी नक्सल मुहिम 15 साल चलाई, 15 साल हमने मध्य प्रदेश में नक्सलियों को घुसने नहीं दिया, और उसके पहले अगर आप देखोगे जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उनके मंत्री बालाघाट में लिखीराम कांवरे जी की घर में घुसकर नक्सलियों ने हत्या की थी, उस मूवमेंट को तोड़ा। फिर कमलनाथ जी की सरकार आ गई, उनने ढील दे दी, अब हमने फिर सख्ती के साथ में अभी परसों ही 2 मारे हैं नक्सली, उसके पिछले महीने में आप चले जाओगे तब 2 नक्सली हमने किए। तो हम नक्सल गतिविधियाँ हो या सिमी की गतिविधियाँ हो या किसी भी डाकू का मूवमेंट हो, मध्य प्रदेश में हम होने नहीं देंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।